तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डायनासोर किंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड द फेथ ऑफ कॉस्मो स्टोन, वो भी अपनी हिंदी वॉइस में। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक स्टार्ट। ये किस तरह के बादल हैं? मैं नहीं जानती, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। डॉक्टर जी, क्या आप ठीक हो? उन्हें यही कहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ कहाँ है? डॉक्टर जी ठीक है। गैगस। मुझे ये देखना पसंद नहीं। ये अंत है। इन सब भयानक चीजों के बारे में हमें टेरेसोर बताना चाहती थी। ये हो रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास मौका था, हम फेल हो गए हैं। अरे नहीं, टेरेसोर ने बताया था। क्या होगा रैक्स? टेरेसोर ने कहा था आखिरी कॉस्मो स्टोन मिलने के बाद टाइम और स्पेस खत्म हो जाएंगे। अब सारे कॉस्मो स्टोन्स ने मिलकर ही डार्क टेरेसोर को बनाया है। अब वो ही खुद को रोक सकते हैं, लेकिन कैसे? फेट ऑफ द कॉस्मोस। हेल्गा, प्लीज डॉक्टर का ध्यान रखो। क्या आप ठीक हो? जागिए डॉक्टर, कुछ बोलिए। मुझे लगता है इन्हें कुछ हो गया है। हमें उनको ठीक से चेक करना चाहिए। डॉक्टर जी को सही से एनालाइज करना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अरे बेवकूफो, मैं अभी मरा नहीं। अपने मुंह पर हैंकी बांध कर रखो। दादू, आप ठीक हो? मुझे लगा कि आप गए। हमें लगा आपका काम तमाम हो गया। हाँ, जेंडर सही कह रहा है, हमें भी ऐसा ही लगा। अरे बेवकूफो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर डायनो पावर मिसाइल फेंकी तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी मेरी डेस्टिनी अभी बाकी है, क्योंकि मैं ही बनूंगा अकेला डायनासोर किंग। डेस्टिनी, जरा एक सेकंड रुको। हे, चलो सब लैब में वापस चलो और मुझे ठीक से एनालाइज करो। लेकिन क्यों? अभी आप बिल्कुल ठीक हो। बच्चों, हम तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। मेरी बात सुनो बेटे, अगर स्पेक्टर को एक कॉस्मो स्टोन भी दे दिया तो खतरा कम नहीं होगा। दुनिया की डेस्टिनी अब तुम्हारे हाथों में है मैक्स, ऐसा नहीं कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। सभी डेस्टिनी, मतलब हर कोई, हर जगह, हर समय, मीन्स हर वक्त। और तुम चॉम्प, बस करो ना। मुझे पता है कि तुम मॉम को महसूस करते हो। क्या बात है मैक्स, चॉम्प क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है जो मेरी मॉम ने कहा था। क्या? पूरे वर्ल्ड, यूनिवर्स और स्पेस एंड टाइम की डेस्टिनी हमारे हाथों में है, और सभी की गिनती हम पर है, और सब हमारे साथ हैं। आखिरकार हम जानते हैं कि पहली बार कॉस्मो स्टोन यहाँ पर क्रैश हुए थे, और लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था, और तब से लेकर अब तक अर्थ पर लाइफ अब तक जारी रखनी होगी। मुझे पता है कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि सब कुछ अंधेरे में बदल जाएगा, फिर भी हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी हमारे पेरेंट्स और टेरेसोर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी ठीक नहीं बचेगा। लेकिन मैक्स, हम क्या कर सकते हैं? हमें प्लान की जरूरत पड़ेगी, और हम में से किसी के पास कोई प्लान नहीं है। मेरे पास है, लेकिन ये तो डायनो ब्रेसर है। तुम सही समझे रैक्स, जब ब्लैक कॉस्मो स्टोन मेरे डायनो ब्रेसर से टकराया तब उसने रिपेल किया था।
सच में? लेकिन क्यों? हो सकता है ब्लैक कॉस्मो स्टोन इसकी वजह से रिपेल हुआ हो। हाँ, स्टोन प्लेट्स। जोई, सेथ ने कहा था तुम्हारी स्टोन प्लेट्स में पॉजिटिव पावर रहती है, और जब कॉस्मो स्टोन किसी के हाथों में होता है तब उसमें नेगेटिव पावर रहती है। मतलब यही रास्ता है पूरे यूनिवर्स को बचाने का, क्योंकि सभी कॉस्मो स्टोन्स ने मिलकर ही पावरफुल डार्क टेरसोर को बनाया है, और ये सब पत्थरों के साथ ही मिले हैं। शायद, लेकिन सारे नहीं। अगर सभी कॉस्मो स्टोन्स को एक साथ मिला दिया गया है तो मैं कहता हूँ कि हम सभी पावर्स को स्टोन प्लेट्स के साथ मिलाते हैं। इस चीज में मैं जीनियस हूँ। हम जानते हैं कि आप बहुत जीनियस हैं। बढ़िया, हम स्टोन प्लेट्स को जोड़ते हैं और उनकी पावर डायनासोर्स को देते हैं। एक्चुअली मैक्स, ये काम नहीं करेगा। क्यों ये काम नहीं करेगा? ऑफ कोर्स ये काम करेगा। नहीं मैक्स, इसके बारे में सोचो। अगर हम ब्रेसर के पत्थर की प्लेट्स के साथ डार्क टेरासोर पर हमला करते हैं तो सोचो हमारे डायनासोर बिना स्टोन प्लेट्स के हमला कैसे करेंगे, क्योंकि स्टोन प्लेट से ही हम अपने डायनासोर्स को बड़ा कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो रैक्स, क्योंकि अटैक करने के लिए डायनो ब्रेसर में स्टोन प्लेट्स होनी जरूरी है। तो अब क्या करें? अब मैं आसानी से डायनो ब्रेसर के पत्थरों की कॉपी बना सकता हूँ। क्या कह रहे हो सेठ? हाँ, मुझे जिस भी चीज की जरूरत है वो सब यहाँ है। हाँ यकीनन, मुझ पर विश्वास करो मैक्स। मुझे पता है कि मैं अपने फायदे की बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे पास एक ही ऑप्शन है। क्या तुम मेरे साथ हो? अब कैसा महसूस कर रहे हो जोनाथन? गुड, अब मैं नए ड्रॉइड की तरह महसूस कर रहा हूँ। ऑल राइट, ये रही सारे स्टोन्स की कॉपी। ग्रेट, अब हम यूनिवर्स को बचा सकते हैं। रुको, इस बात का सबको पता होना जरूरी है। क्या बात है सेथ? कॉपीज स्टोन प्लेट्स का इस्तेमाल हम सिर्फ डायनासोर्स को अटैक करवाने के लिए कर सकते हैं, और किसी भी काम के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने डायनासोर्स को लड़ने के लिए बाहर निकालेंगे तब वो अटैक करने के बाद वहीं रुक जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हम इनको पेट्स बनाकर फिर कभी नहीं खेल पाएंगे इनको बड़ा बनाने के बाद। इस मामले में चलो इनके साथ एक आखिरी बार खेल लेते हैं। चलो एक बार फिर से करते हैं। वापस आओ एस। चॉम्प, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। लव यू चॉम्प। चॉम्प, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं हमेशा वो पल याद रखूंगा जो हमने साथ बिताए हैं एस। हमेशा हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे पेरिस। इन्हें इनके कार्ड में डालो और रोड कोई भी एक ले चलो। इन्हें थोड़ा वक्त दो दादू, ये आखिरी बार है अपने डायनोस को ऐसे देखने का। हाँ, शायद अभी तक बच्चे हैं। दादू, आप उन आंटी को क्यों नहीं कहते हो? कान खोल कर सुनो, तुम्हें मुझे आंटी कहने से पहले हजार बार सोच लेना चाहिए। ओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरे प्यारे नन्हे चेरी। ओ, तुम बहुत गर्म हो स्पाइनी, मैं क्या करूँगा जब तुम चले जाओगे? तुम मेरे हमेशा साथ रहे हो टैंक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आई मिस यू। मैंने कहा नहीं, तुम तीनों हटो यहाँ से। चेरी, स्पाइनी, टैंक और अल्फा बोट को मैंने ही पाला, इनकी सबसे ज्यादा याद मुझे ही आएगी। इंस्पेक्टर को रोकने का समय आ चुका है। ठीक है। अच्छा चॉम्प, अब मुझे लगता है जाने का समय आ गया है। गुड बाय बडी। एस। बहुत पेरिस। असली प्लेट्स को एक साथ जोड़ो। अच्छा चलो चलो इसे करते हैं। सब अच्छे से पकड़ लो, हम चले। मैंने डार्क टेरासोर पर हमला करने के लिए सब ले लिया है। ठीक है दोस्तों, चलो हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। डायनो स्लैश डायनो टेक्टर ऑन। डायनो स्लैश डायनो टेक्टर ऑन। अल्फा स्लैश
डायनो ट्रैक्टर ऑन। चलो सब ठीक करते हैं, सब अपने डायनोस की पावर को यूज करके डार्क टेरासोर पर ब्लास्ट करो। चलो करते हैं। वाओ, लगता है हमने डार्क टेरासोर की बाहर की शील्ड को तोड़ दिया है, शायद हमें उसके अंदर जाना चाहिए। ऑल राइट, चलो चलते हैं। तुम छुटकू यहाँ क्या कर रहे हो? सोचो तुम सबको ये दर्द कैसा लग रहा है। तो ठीक है, ये अंधेरा तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है, अच्छा इसी में है तुम टेरासोर से माफी मांग लो। अब मेरे पास पूरे यूनिवर्स की अल्टीमेट पावर है, तो अब मुझे किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम अपने मुंह से नहीं चबाने वाला। अब मैं 5 मिनट में अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला। डोंट वरी, ये अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली। और कम से कम ये तुम्हारे लिए मजेदार तो बिल्कुल नहीं है। ओ नहीं, टैंक हार गया। और स्पाइनी भी। ये तो टेरासोर है, पर ये डार्क वाली नहीं है, ये अच्छी वाली है। ये हमें पावर लाइन से बचा रही है। लेकिन मैं लंबे समय तक इन्हें नहीं रोक पाऊंगी, तो मैं जल्दी स्पेक्टर के डायनोस को मारना होगा। बस बहुत हुआ, चलो करते हैं। अब मेरी बारी है। फ्री फोर स्पेसिमेंस। टेरासोर अभी भी हमें बचा रही है। हमने कर दिया। अरे वहां देखो, ये तो स्पेस पायरेट शिप है। रुको जोनाथन, हमें अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए शिप पर जाना होगा। नहीं, हमें इंस्पेक्टर को हराना होगा, उसके लिए मेरे पास अब रोल पावर होनी चाहिए। हमें हमारे पेरेंट्स को बचाना ज्यादा जरूरी है तुमसे। अगर मैं इस शिप को अंदर से ठीक नहीं करता तो तुम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बचा पाते। डॉक्टर जी, हमारे सारे स्कैनर्स बता रहे हैं कि उस शिप पर डायनासोर लाइफ एक्सिस्ट कर रही है। क्या डायनो लाइफ? इस मामले में जल्दी चलो और जेटा पॉइंट को उस शिप से जोड़ो। रुको, अब तुम कैसे मान गए? लेकिन क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं डायनासोर किंग बनना चाहता हूँ? मेरा मतलब उनके पेरेंट्स को बचाने के लिए है। डैड, मॉम। मॉम, डैडी। वो सब कहाँ हैं? वाओ, जरा इन डायनासोर्स को तो जरा देखो। ये तो बहुत सारे हैं डॉक्टर, आप बहुत जल्दी किंग हो गए। मैक्स, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जोई, क्या तुम वहाँ हो? हमने ब्रिज से यहाँ तक आने का रास्ता बनाया है। मॉम, डैड, हमने आपको ढूंढ लिया। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ओ जोई, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, हम आप सभी को बहुत याद कर रहे थे। ओ रैक्स, तुम सच में बहुत बहादुर बच्चे हो, हमें तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन मॉम, अभी तक हमने सही डिसीजन नहीं लिया है। रैक्स बिल्कुल सही कह रहा है, स्पेक्टर को हराना आसान नहीं होगा। जोनाथन, तुम इस शिप को क्यों कंट्रोल कर रहे हो? ये हमारा शिप नहीं। सच है कि मैं भूल गया, हमारे पास केवल ये शिप है। रुको, बैकलैंड का क्या हुआ? बैकलैंड का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, उसे सेट ले गया है। इसका क्या मतलब हुआ? सेथ, अब तुम क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या? मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं कॉस्मोस्टोन की असली पावर देखना चाहता हूँ। रुको सेथ,
तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चले जाओगे? ये बच्चे भी तुम्हें नहीं रोक पाए? क्या इसे विश्वास ही करेगा? इसके पार्ट्स कितने पावरफुल हैं? तुम सही हो मैक्स, इससे पहले कि मैं उसकी पावर से अंधा हो जाऊं कॉस्मो स्टोन लेने की कोशिश करता हूं। मैं अब पहले से बेहतर जानता हूं, स्पेक्टर ने स्टोन्स को छेड़ दिया है और ये समय मेरे लिए है और मुझे ठीक करना होगा और मुझे अंत तक जाना होगा सब ठीक करने के लिए। तेज और तेज, फुल स्पीड में चलो। सेथ ऐसा मत करो, तुम ब्लास्ट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अंधेरा अब गायब हो गया है। शायद हम वापस घर पहुंच गए। हमने कर दिखाया, हम सेफ हैं। वो देखो बैकलैंड, वो देखो सेथ। वो कह रहा है सेथ धमाके से बच गया और वो जिंदा है। जरो इन डायनासोर्स को तो जरा देखो जो मुझे स्पेस पायरेट के शिप में मिले, और इन्हें मैं पसंद भी हूँ। आखिर मैं डायनासोर किंग बन गया। डॉक्टर जी, आप इन डायनासोर्स को धीरे चलने के लिए बोलिए ना। अर्सला, यहाँ वापस आओ माय लव। ओ डैड, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हे रॉड, सेथ क्या कर रहा है? मैंने उसे अभी 10 मिनट पहले चेक किया है, वो ठीक हो रहा है। डॉक्टर एंशंट कह रहे हैं स्टोन प्लेट्स में डायनासोर जीवन मिशन है जो डायनासोर्स को अर्थ पर जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है। आप सही हैं, जब कॉस्मो स्टोन अर्थ पर क्रैश हुए तब उनकी वजह से सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तब उन सारे डायनासोर्स की आत्मा स्टोन प्लेट्स के साथ जुड़ गई। अब इतना सब होने के बाद हमें पता लगा कि वो स्टोन प्लेट्स कितनी पावरफुल हैं और क्यों कॉस्मो स्टोन्स के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली हथियार हैं। हाँ बिल्कुल, तो बच्चों से बात करने वाली वो अजीब सी आवाज़ सारे डायनासोर्स की आत्मा की थी। सब ठीक है, मुझे लगता है आपको भूख लगी होगी क्योंकि लंच तैयार है और सब कुछ आपका पसंदीदा है। डॉक्टर, तुम्हारा पसंदीदा स्टू पहले कौन खाएगा? जोई, मैंने तुम्हारे लिए एप्पल पाई बनाया है। रैक्स, मैंने तुम्हारे लिए सॉफ्ट सॉफ्ट कुकीज बनाई है, टेस्ट करो और बताओ कैसी बनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं घर वापस फ्यूचर में नहीं जाना चाहता, यहाँ पर मैं किंग हूँ। डॉक्टर, जो आपने देखा है वो आपका घर वापस जाने के लिए दिमाग भ्रष्ट कर सकता है और फिर तुम्हारा वही होगा जो स्पेक्टर का हुआ था। मैं जानता हूँ। ओ अर्सला माय लव, प्लीज मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार सोचो। टाइम। ओके डॉक्टर ओवन, मुझे जरा सोचने दो। अर्सला, तुम जो सोचोगी उसका टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा। सच में? नहीं कह दो। ये खुशी वाले पल नहीं है। प्लीज तुम मुझे कभी नहीं भूलना, प्यार का कोई समय नहीं होता रीज। ठीक है, शायद अब हमें फ्यूचर में वापस जाना होगा, वहाँ पर हमारा घर है। मैक्स, शायद ये सही टाइम है एक दूसरे को अलविदा कहने का। क्या तुम कभी मिलने वापस आओगे? नहीं, क्योंकि स्पेस पायरेट के शिप का इंजन डैमेज हो गया है और हम सिर्फ एक बार टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, और बदकिस्मती से बैकलैंड का इंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है रैक्स, अच्छे से डायनासोर्स का ख्याल रखना। बिल्कुल। तुम डी टीम के मेंबर हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, ये अच्छा है कि हम सब डी टीम के मेंबर रहेंगे, ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ हूँ। आखिर ये कौन जानता है कि हम फ्यूचर में फिर से मिलने वाले हैं। प्लीज मेरे जैसी प्रिटी को भी मेंबर बना लो। और मुझे भी। और मैं भी बनना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ये सही कह रहा है, मतलब ना कि आंटी के लिए। शुक्र करो कि ये तुमने आखिरी बार बोला है। रुको अर्सला, इनके कहने का मतलब डी टीम आंटियों के लिए नहीं है और तुम आंटी थोड़ी ना हो। ये अच्छा आइडिया है जेंडर। रुको, अगर तुम अल्फा गैंग को छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? आप चिल करने की गोली लें और अच्छे से रिएक्ट करें। थैंक्स, बाय। अपना ध्यान रखना रैक्स। हम सब हमेशा दोस्त बने रहेंगे रैक्स। हाँ, हर समय के लिए। सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी रैक्स।
अब जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, हम चलते हैं। हम फिर मिलेंगे। बाय पेरिस, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। अपना ध्यान रखना चॉम्प, गुड बाय एस। तुम सब हमारे दिल में हो। स्पेस मेरा स्पेस डिवाइस है। ओ, हम लॉक हैं और कितना अच्छा है ना, हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से देखा, स्पेस आनंद है। मैं हमेशा के लिए कहता हूँ, अगर मैं लंबी बात करूँ तो क्या उससे मदद मिलेगी? दोस्तों, इस एपिसोड को ट्रांसलेट करने में मुझे पूरे 4 दिन लगे और इसे एडिट करने में पूरे 3 दिन लगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप मेरी मेहनत की कदर करते हैं और आप सच्चे डायनासोर किंग के फ़ैन हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये था आपका रिक्वेस्ट किया हुआ डायनासोर किंग फेथ ऑफ कॉस्मोस स्टोन द लास्ट एपिसोड, हम अभी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, सीज़न 2 तो ख़त्म हुआ, सीज़न 3 की वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चारों वीडियो हमारी बनाई हुई हैं, आप किसी वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, सारी वीडियो सीज़न 3 की हैं। तो फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।